नाम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन लोग इन्हें गालीशा कहकर पुकारते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गालियां देना इनकी पुरानी आदत है, लेकिन इस रमजान इन्होंने अहद किया है कि गालियों से मुकम्मल इज्तनाब करेंगे। तो अब देखते हैं अपना अहद पूरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेट्स सी। मैं अहद लेता हूँ कि रमजान के पूरे महीने में एक गाली भी नहीं दूंगा, एक गाली भी नहीं दूंगा, एक गाली भी नहीं दूंगा। अबे देख के गालीशा आजा, थोकते इसको, देखते कौन सी नहीं गाली देता है। अबे भोस पिटेगा तू। गाली नहीं, रमजान का महीना है। क्या हुआ गालीशा, आज गाली नहीं दे रहे? हाँ रमजान के बाद मिलता हूँ, चलो। अबे तेरी माँ को शिकायत करता हूँ। गाली नहीं। क्या हुआ गालीशा, गाली नहीं दे रहे? मिलता हूँ रमजान के बाद, नई वैरायटीज के साथ मिलूंगा। क्या हिसाब है भाई सेब? 3,000 रुपए का। 3,000? अभी क्या चूड़िया पहनी हुई है क्या हमने? क्या हो गया गालीशा, गाली नहीं दे रहा तू? क्या मिलता हूँ रमजान के बाद मिलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है पूरा दिन हो गया गाली नहीं निकली। ओ शेख शैतान, अब पादरी और सूरा जंजीर से भी बदतर है। और इस तरह के इलेक्ट्रिक ने गालीशा को गाली देने पर मजबूर कर दिया।